जी मैं समीर बोल रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एसोसिएशन फार्मासिस्ट। तो हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हमने मेडिकल असिस्टेंट कोर्स किया हुआ है जो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे वैलिड माना जाता था एक फार्मिस्ट होने के लिए। तो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जब हो गया तो हमें ना रजिस्ट्रेशन दी जा रही है ना हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी है। हमने लीगल वे इस कोर्स को किया हुआ है ताकि हम अपना रोज़गार इससे चुने, हम मेडिकल शॉप्स ओपन करें। बाज़ाबता हमने 2.5 साल हमें इस कोर्स में लगे, हमें 2.5 लाख रुपये इस कोर्स में लगते हैं, 3 साल हमें कंप्लीट करने में लगे। लेकिन हम पिछले 3 साल से कम 32,000 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। हमारी डिमांड शॉर्ट में हमें रजिस्टर किया जाए एज ए फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, JKPC में। हमने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, 3 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें ना हमारा राइट मिलता है ना हमें कुछ, ना हमारी बात कोई सुनता है, हमें सिर्फ यहाँ यही कहा जाता है कि हो रहा है। पिछले 3 साल से हम सुन रहे हैं। हम इस टाइम सेल्समैन सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमने हमारे माँ बाप ने पैसे निकाले, ज़मीन बेचा, कर्ज लिया, लोन लिया हमें पढ़ाने के लिए, लेकिन हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। हमें बाज़ाबता तौर पर हमारे कोर्स में सिखाया जाता है कि किस तरह आपको अगर इमरजेंसी है किस तरह आपको पेशेंट को डील करना है, कि मेडिसिन के बारे में हमें समझाया जाता है, लेकिन हम थक गए इनको बोलते बोलते। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम इतना बोल रहे हैं हमें रजिस्ट्रेशन दीजिए, हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में बाज़ाबता रजिस्टर्ड किया जाए ऐसा फार्मासिस्ट, जो हमारे डिमांड जैसे किया जाता था। किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन चाहिए हमें? ऐसा फार्मासिस्ट जैसे पहले करते थे, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट। पूरे अगर आप देखोगे JK हॉस्पिटल में, यहाँ पे सब जो भी फार्मासिस्ट है उन्होंने मेडिकल असिस्टेंट किया हुआ है, तब जाके उनको रजिस्ट्रेशन मिली है। हमें नहीं मिल रही है क्योंकि हमें पता ही नहीं, आर्टिकल हटाया गया, उसके बाद हम बेरोजगार बैठे हुए। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं हमें रजिस्टर्ड किया जाए बस।